चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में 18 जनवरी पर स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेष योग और स्मृति दिवस पर खास क्लासेस रखी गई थीं। वहीं यहां पांडव भवन माउंट आबू जैसा गहरा अनुभव करने के लिए चार धाम की विशेष प्रतिकृतियां बनाई गई थीं, ताकि सभी को यहां मधुबन की भासना मिल सके। इस मौके पर आंचलिक सेवा समन्वयक बी के बीना समेत सभी वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में लगभग 1500 बी के सदस्य मौजूद थे। मध्य प्रदेश जबलपुर कटंगा कॉलोनी के शिववरदान भवन सेवा केंद्र पर भी स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान पूरे सेवा केंद्र को विशेष फूलों से सजाया गया था। इस मौके पर कटंगा सेवा केंद्र प्रभारी बी के विमला ने सभी को ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में जर्नल फिजिशियन डॉक्टर जगत बहादुर तिवारी, कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रीति जैन, एमपीईबी के रिटायर्ड डायरेक्टर विजय तिवारी समेत कई बी के सदस्य मौजूद थे। छत्तीसगढ़ कोरबा के टीपी नगर में भी विश्व शांति दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद ज्योत्सना महंत रहीं। सांसद समेत जमनी पाली सेवा केंद्र की संचालिका बी के बिंदु दीदी और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के रुक्मणी दीदी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही ब्रह्म बाबा को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पण किए। इस मौके पर शांति स्तंभ, बाबा का कमरा और हिस्ट्री हॉल की झांकी भी बनाई गई। कार्यक्रम में कमल कर्माकर, डॉक्टर केसी देवनाथ, एस मूर्ति समेत कई बी के सदस्य मौजूद थे। कर्नाटक के गदग में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में अव्यक्त स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की मुख्य प्रभारी बी के जयंती ने शांति स्तंभ के समीप सभी को योग कराया और सभी को ब्रह्मा बाबा की तरह आदर्शों पर चलने की राह दिखाई। इस मौके पे पदम कबाड़ी जी ने गाना गाकर अपने भाव अर्पित किए। कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित भी किया गया। बिहार गया में ब्रह्मा बाबा के 55वें स्मृति दिवस पर सभी ने शांति स्तंभ के प्रतीक पर श्रद्धा समून अर्पित किए। इस मौके पर गया सेवा केंद्र प्रभारी बी के शीला ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा में एक चुंबकीय शक्ति थी, उनके निकट बैठने से ही आनंद अनुभव होता था। अपनी दृढ़ता, पवित्रता व तपस्या के बल से प्रजापिता ब्रह्मा ने सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों का सम्मान करते हुए आध्यात्मिकता के पथ से ईश्वरीय योजना का रहस्य समझाया। इस मौके पर समाज सेवी रितु डालमिला, सिविल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, निस्कॉन टेम्पल चेयरमैन संत हरि ओम स्वामी समेत कई बी के सदस्य मौजूद रहे। केरल त्रिवेंद्रम के पल्लीचल शिव चिंतन भवन में पिता श्री ब्रह्मा बाबा का 55वां स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पे माउंट आबू के बी के भगवान भाई विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र त्रिवेंद्रम की स्थानीय प्रभारी बी के मिन्नी, पेठा सेवा केंद्र से बी के शाहनी और बी के आरती, बी के बीना, बी के सुदेश, बी के प्रमोद, बी के गोपी, बी के शरण्या खास तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर शांति स्तंभ व बाबा की कुटिया और उनके जीवन इतिहास की एक झलक झांकी के तौर पर सजाई गई। ओडिशा ब्रह्मापुर के प्रभु पहार रिट्रीट सेंटर में अव्यक्त स्मृति दिवस पर बी के मंजू दीदी और बी के माला दीदी ने सभी सदस्यों समेत पवित्र चार धाम के दर्शन किए और प्यारे बाबा को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के बुलढाणा सेवा केंद्र पर भी विश्व शांति दिवस शांति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में दैनिक सकाल न्यूज़पेपर के वरिष्ठ पत्रकार अरुण जैन विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के उर्मिला ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के बारे में सभी को बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मध्य प्रदेश अलीराजपुर में पुण्यतिथि अवसर पर इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जनरल कोऑर्डिनेटर बी के नारायण जी पहुंचे और सभी को अपने आशीर्वचन से लाभान्वित किया। तो सेवा केंद्र प्रभारी
बीके माधुरी बहन ने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखना है। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याता सीताराम, समाज सेवी वंदना अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में परमात्मा को भोग भी लगाया गया तो अंत में सभी ने ब्रह्मा बाबा को पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरी नगर में स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र पर 18 जनवरी योग तपस्या के साथ मनाई गई। सभी ने यहां राजयोग के माध्यम से समग्र विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। सेवा केंद्र संचालिका बी के सविता दीदी ने ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए कहा कि इस विश्व रंगमंच पर समय समय पर अनेक विभूतियों का आगमन होता है, जिसमें से कुछ महान लोगों का जीवन यादगार बन जाता है, जिनका स्मरण गायन युगो युगो और दिग दिगांतर तक होता रहता है। ब्रह्मा बाबा भी एक ऐसी ही महान तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। पुणे की रविवार पेट शाखा पर स्मृति दिवस के निमित्त श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बीके रोहिणी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक ब्रह्मा बाबा नवयुग के अद्भुत शिल्पी और निराकार परमात्मा शिव बाबा के साकार माध्यम थे, जिनके मुखारविंद से परमात्मा शिव बाबा ने हमें जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम के तहत विश्व शांति के लिए 8 घंटे अखंड योग रखा गया था। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में भी विश्व शांति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका उपाध्यक्ष नीलेश वर्मा, SDFC बैंक के मैनेजर उदित दुबे, SBI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर आर, डॉक्टर दीपक जोशी, डॉक्टर राहुल शर्मा, लायंस क्लब के पूर्व रीजनल चेयरपर्सन महेश शर्मा ने किया। इसके अलावा समाज सेवी महेश पाटीदार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने भी परमात्मा स्मृति के साथ दीप प्रज्वलन किया। बीके रामविलास यादव ने ब्रह्मा बाबा की त्याग तपस्या पर आधारित कविता का पाठ किया। ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।